ये ब्रांड बिल्कुल नया है बट धमाल मचा रखा है। आप खा रही है बिकॉज एनर्जी बहुत लो है। मैं कपड़े देख रहा हूँ, मैं मजा आ रहा है मेरे को तो। लिटरली मैं खुशी आपको बता नहीं सकती। तो भी चल रहे शॉपिंग के लिए। शूज का कलेक्शन भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। ये देखो खुशी तो देखो मेरे शक्ल की। जैसे कि आज लेकिन कर रही जिम में बिकॉज घर पे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला शूट करने का। और रीजन मैं मैं आपको बताऊंगी या फिर लॉकडाउन के बीच मेरा टाइम मिला तो बताऊंगी। हमारा वो वाली एनिवर्सरी और एनिवर्सरी पे आने वाला था बिल्कुल अच्छा गेस्ट, तो इसलिए थोड़ी घर की साफ सफाई ये चीज़ें घर की बड़ी है वो चीज़ें करना है एन एवरी थिंग। बिकॉज हम चाहते हैं कि जब भी कोई बाहर से आया हमारे घर पर तो उसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस चक्कर में मैंने बनाया सुबह से और वो प्लान वो भी इंस्टेंट बना कि सब आ रहे हैं एंड मी एंड समय मोर देन हैप्पी। तो बस वर्कआउट करेंगे फिर घर जाएंगे, घर जाने के अच्छा काम करना है, पूरे घर को साफ करना चमकाना है एंड देन शॉपिंग पर जाना है। होम सेंटर मोस्ट प्रॉब्लम तो आज शुड जा रहे हैं शॉपिंग पे। और स्टार्ट करूँगी अपनी स्ट्रेचिंग और तरह को करती हूँ वर्कआउट करने आज मिक्स करूँगी थोड़ी सी एनर्जी लो है या मतलब समझ रहा हूँ मुझे एनर्जी लो है एनर्जी लो है। फाइनली इतना पोर्शन पूरा हो गया है कि आई मीन मैं कह दूँ तो ड्राइंग रूम बाहर का जो एरिया है पूरा वो डाइनिंग एरिया स्टेयरकेस एरिया और वहाँ से कोई देख रहा है बोर हो रहा है घूमने का टाइम है उसका। ये पूरा सारा कुछ क्लीन हो गया। किचन थोड़ा बहुत रह रहा है बट यहाँ पार्टीशन तो क्लीन हो गया है। इनफैक्ट ये रूम भी क्लीन हो गया पूरा, बस कपड़े पड़े हैं जो कि धुलने हैं। आप देख रहे हो अभी एक बार वॉशिंग के लिए मैंने लगा दिया है और सेकेंड राउंड में ये और ये धुलेगा। तो ये सारा कुछ क्लीन हो गया है और लिटरली जब घर पूरा क्लीन हो जाता है तो इतनी पॉजिटिव वाइब आती है ना कि मत पूछो। मैंने थोड़े दिन भजन भी लगा दिया बिकॉज ऑब्वियसली इसी फोन से शूट करती हूँ और अपने उस स्पीकर में क्रोमा का स्पीकर जो मैंने लिया था उसमें मैंने मस्त एकदम भजन लगा दिया और काम कर रही थी फुल स्विंग में। सतीश भैया इज अ बिग हेल्प, एकदम घर बदल बदल के साफ किया चमका डाला तो पूरा घर। यहाँ पे ना एक पेड़ लगाया था मैंने ग्रीन कलर वाला, अगर आपको याद होगा आपने मैंने पहले ब्लॉग्स में देखा होगा मैंने उसको ऐसे हटा दिया। मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ उसको कहाँ लगाऊँ तो कोई ना कोई जगह तो मैं निकाल दूंगी हैंड होल के। दिमाग लगा रही हूँ उसी पे कि उस वाले प्लांट को शोपीस वाला प्लांट है वो नकली है उसको मैं कहाँ लगाऊँ और बाकी सब कुछ एज इट इज है एकदम क्लीन क्लीन। देखो साफ सुथरा घर बहुत पॉजिटिव लगता है मेरे को। अब बारी है ऊपर के रूम को सेट करने की। साफ तो भैया ने सब कुछ कर दिया है स्टेयरकेस एंड ऑल ये पेंटिंग्स वेंटिंग सब कुछ मैंने पोछा एंड ये सारा कुछ साफ हो गया है। ऊपर के रूम को बस सेट करना है, दैट्स इट, वी आर डन विद हाउस क्लीनिंग। मैं हाउस क्लीनिंग का वेट नहीं करती कि हाँ दिवाली आएगी तभी कराऊंगी होली आएगी तभी कराऊंगी। मेरे को जब भी घर गंदा लगता है जरा सा भी तो मैं लग जाती हूँ। यहाँ पे भी गनु भाई उल्लू एंड ऑल यहाँ पे फ्लावर्स थे जो कि वहाँ धो के अभी रखा है वो भी सूख रहे हैं तो एक बार वो भी सूख जाएंगे तो उसका उनकी बिल्कुल जगह पकड़ा दूंगी। फिलहाल थोड़ी देर आराम करूँगी बिकॉज बहुत थक गई, जिम भी गई थी वर्कआउट भी किया डाइट भी कर रही हूँ और सफाई को भी लग गई आके तो
बैंड बज गए लिटरली। कब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद आपसे मिलते हो थोड़ी देर के बाद। बट इनको घुमाए बिना कहाँ आ रहा हूँ। छत पे चलना है, छत पे घूमने चलो फिर। ऑटो चलो। जब भी मैं सफाई करी थी ना, करती हूँ ना, तो ये मस्त यहीं बैठ के देखता रहता है, साथ में हाथ बटाता है। चलो आज तो बहुत थकान हो गई, बिल्कुल रेल पिट गई, बिकॉज सुबह से ही बिल्कुल लगी हुई थी सतीश जुटा के साथ साथ। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सा फील होता है आपको भी जब आपका घर साफ होता है। इट्स लाइक योर टेम्पल एंड फॉर अस इट्स आर टेम्पल। तो अभी तो ये हो गया और मशीन बेचारा अभी भी लगा पड़ा है। तो ये लास्ट है, लास्ट राउंड है लॉन्ड्री का। तो सोते के कवर, चादरें, हमारे कपड़े, वो सब मैंने आज ही धो डाले। मैंने कहा सब धो डालो आज, उसके बाद कम से कम दो दिन के रिलैक्स ओ से भी है आज, मेरे को पता है। तो अभी बना रही रात की भुर्जी, पनीर भुर्जी। ये देखो पनीर भी काम के रखा था, टमाटो एंड ये बहुत ही लेस ऑलिव ऑयल में बनाते हैं भुर्जी है। ये बनाते हैं खाना वाना खा के, उसके बाद रहता है एक स्कूप प्रोटीन, वो पीऊंगी एंड देन क्लाइंट्स के डाइट बनाऊंगी, देन फिर कुछ रील और व्लॉग रिक करूंगी, उसके बाद कुछ कंटेंट देखूंगी एंड देन अपने रात का पार्ट करूंगी एंड देन सो जाऊंगी। इट्स लाइक फुल पैक, पूरा पैक है, कैसे करना है कैसे कैसे करना है। एंड अगर मौका मिला कुछ शूट करने का तो आई शूट, वरना सीधे सुबह शूट करूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी मैं जा रही हूँ बनाने चाय, और चाय के साथ साथ घी भी निकालूंगी बिकॉज मक्खन मैंने कल ही फेंट के रख दिया था। और घी सबसे पहले निकालने का रीज़न ये है कि साहिल को ना इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब उसको बिल्कुल बदबू लगती है। इससे पहले वो नीचे आए मैं फटाफट घी निकाल के फ्री हो जाऊँ। चिमनी चला लो, कुछ भी चला लो, घर खोल दो पूरा एकदम, दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल दो, फिर भी उसको उसकी स्मेल लग जाती है। फाइनली नहा लिया पूरा, मतलब दो दिन से सफाई में लगी पड़ी थी, मिट्टी विट्टी करते करते सफाई करते करते अब जाके एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट ये बस ये फ्लावर्स लगाने मेरे को, दैट्स इट, ये वाले फ्लावर्स, दैट्स इट, सब कुछ हो गया। और कुछ कपड़े टैंक में जो कि धुल चुके हैं, बस इतना अच्छा लगता है ना। बस पूजा पूजा करके जम जाऊँगी। इतने में पहली बार किया जिम को स्किप बिकॉज हम जा रहे हैं होम सेंटर घर के लिए कुछ लाने के लिए एंड देन रिलायंस, वहाँ से भी कुछ सामान लाना है घर का मेनली, बिकॉज काफ़ी टाइम से हम सोचे थे कि जाएंगे जाएंगे बट हमने जिम स्किप नहीं किया जब से हम स्टार्ट किया था। तो आज सोचा है एक दिन लाइक वी कैन स्किप, तो आज हम स्किप कर रहे हैं। एंड ध्यान रखो कितना अच्छा सा लगता है ना, और जब घर के काम में जुट जाओ तो फिर एकदम। बट ठीक है यार, दोनों रूप आपके ही हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप अपने हर एक रूप में कंफर्टेबल रहो। हम पहुंच गए अपने फेवरेट मॉल, फेवरेट तो नहीं बट घर के बहुत पास है और हमारी सारी जरूरत का सामान यहाँ मिलता है, तो इसलिए ये बेस्ट है हमारे लिए, वन स्टॉप डेस्टिनेशन काइंड ऑफ कह लो। तो पहले हम जाएंगे होम सेंटर, देखते हैं वहाँ से क्या क्या रहता है। और अलायंस के पास ये देखो इसे ये बहुत छोटू सा नहीं है ना, क्या छोटे से बड़ा लेना चाहिए ब्रश और बूटा ये बाय दिस। और हम आ गए हैं बाथरूम की छोटी मोटी एक्सेसरीज लेने के लिए और भी बहुत सारा सामान जैसे हैंड टॉवल। नेट नहीं चलता, इंस्टा नहीं चलता, नेट नहीं चलता, व्हाट्सएप चलता। स्पेस नहीं है तो मुझे बढ़िया लगता है ये ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है, स्पेस नहीं करता। ये नया आया ना पूरा कलेक्शन, ये अच्छा लगता है कलर, मुझे बहुत पसंद आता है ये कलर, मुझे बहुत पसंद आता है ये सोफे का, क्यूट है कैबिनेट। और शीशा देखो खुद को चेक ना करूँ तो क्या फायदा, सब आता है यहाँ, जब भी आता है ना आता है, बस क्या लेने क्या छोड़ दे।
और ये भी मेरा फेवरेट सेक्शन है क्रॉकरी का, मुझे बहुत पसंद है ऐसे क्रॉकरीज, बट टूटने का चांसेस भी उतना ज़्यादा हाई रहता है, बट स्टिल आई लाइक देम। तब तक साहिल बिल दे रहा है, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ क्रॉकरी, जो कि फ्यूचर में मैं ज़रूर लूँगी घर के लिए, मुझे बहुत पसंद है ऐसे क्रॉकरीज। अभी तक मेरे और साहिल का ऑलमोस्ट ये फेवरेट ब्रांड रहा है होम सेंटर, घर की छोटी मोटी से लेके बड़े बड़े सामान, सोफाज एंड ऑल सब यहीं से लिया हमने। और होम सेंटर डन, अब जा रहे लाइट्स ये रख के ऑब्वियसली आराम से उतार से, ये सही है ना, सामने पार्किंग है डिटेलिंग बोर्ड। तो फाइनली ऑल शॉपिंग डन, ऑल तो नहीं लेकिन हाँ 80% शॉपिंग डन, हम जा रहा है घर, मुझे तो भूख लग रही है, बारिश खा नहीं सकते हो। और ये बादल है और फील क्या आ रहा है सही, नेपाल के पहाड़ नेपाल के पहाड़ ये जो मेरे को दिए मुझे जैसा नहीं लग रहा। हाँ काइंड ऑफ जूम कर एक बार, अजीब से बादल हो जाता है यहाँ पे कभी कभी, वाइट वाइट थिंग्स जूम करो। हाँ ये देखो, अब दूर से देखो एज इफ पूरा माउंटेन है और ये घर है बीच बीच में, वहां लाइट जल रही है, वही समझ नहीं आ रहा बादल नीचे है ये पहाड़ नहीं है बता दूं उनको ये पहाड़ नहीं है बता दे उनको विजिबल है ज़ूम करने के बाद कि पहाड़ नहीं है। तो आज तो बहुत थकान हो गई, अब घर जाके अपनी लास्ट मील लूंगी एंड विल गो टू स्लीप। तो आप सबके लिए मैं माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस।